अस्सलाम वालेकुम जी। मैं खिजर सुल्तान, जैसा कि आपको मालूम है, मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो भी न्यू अपडेट होती है आपको टाइमली प्रोवाइड करता रहता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। आज जो मैं आपको जो खुशखबरी देने जा रहा हूँ वो बच्चों के वजीफे के हवाले से है कि किन बच्चों को वजीफा मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरे नंबर पर जो मैं आपको खुशखबरी देने जा रहा हूँ वो ये है कि जो बेनिफिशरीज जिनको 938 कोड का सामना था या जो 938 कोड की वजह से परेशान थे, अब उनकी परेशानी खत्म हो गई है। और तीसरे नंबर पर जो मैं आपको खुशखबरी देने जा रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि यूटिलिटी स्टोर पर बीएसपी का सर्वे शुरू हो चुका है, आप लोग बीएसपी का सर्वे आप यूटिलिटी स्टोर पर भी करवा सकते हैं। काफी लोगों ने मेरी इस बात पर यकीन नहीं किया और कुछ लोगों को बाद में पता चला, वो बाद में मुझसे उन्होंने रब्ता किया कि आप ये यूटिलिटी स्टोर पर सर्वे होगा या नहीं होगा। तो आज मैं आपको जो खुशखबरी देने चाह रहा हूँ, आप यूटिलिटी स्टोर के बाद अस्पतालों में सर्वे का अमल शुरू होने जा रहा है और किन औरतों का सर्वे होगा और किन का नहीं होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी देने जा रहा हूँ वो बच्चों के वजीफे के हवाले से है। क्वार्टर फोर्थ का वजीफा जो है आप लोगों के अकाउंट में अब ट्रांसफर हो चुका है। जी हाँ, क्वार्टर फोर्थ में वो बच्चे शामिल हैं जिन्होंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के वजायफ हासिल नहीं किए थे, अब उनके इन माह के वजीफे जो हैं क्वार्टर फोर्थ के अब आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। आप लोगों की ईद से पहले अब ईद हो गई है, अब आप लोग अपने बच्चों का वजीफा जो है आप निकलवा सकते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हुई थी। ये लास्ट 31 दिसंबर तक इनकी जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई थी उनका वजीफा अब उनके अकाउंट में आ चुका है। ये क्वार्टर फोर्थ का वजीफा है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ये सिर्फ क्वार्टर फोर्थ का वजीफा है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च वाला वजीफा नहीं आया, ये सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर का ये वजीफा है, अब आप लोगों के अकाउंट में ये ट्रांसफर हो चुका है। दूसरे नंबर पर जो खुशखबरी थी वो 938 वाले कोड के हवाले से है। 938 कोड अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। जी हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो 938 कोड है ये हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है, अब वो कल से जो है ये खत्म हो चुका है। आप लोग अपनी पेमेंट जाकर निकलवा सकते हैं। जब आप रिटेलर के पास जाते थे तो रिटेलर आप लोगों को कहता कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, आपके अकाउंट में 938 कोड लगा हुआ है, अब ये जो 938 कोड वाली टेंशन थी, परेशानी थी, ये हमेशा के लिए खत्म हो गई है, आप लोग अपनी रकम आप निकलवा सकते हैं, 938 वाला कोड जो है अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो तीसरी खुशखबरी थी वो बीएसपी सर्वे के हवाले से थी। पहले तो ये यूटिलिटी स्टोर पर सर्वे हो रहा था, अब यूटिलिटी स्टोर पर सर्वे खत्म हो चुका है, अब हुकूमत पाकिस्तान ने ये सर्वे अस्पतालों में शुरू कर दिया है। ये कौन से अस्पतालों में सर्वे होगा? ये वो अस्पताल हैं जहां आगोश प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन होती है, वहां पर अब बीएसपी की भी रजिस्ट्रेशन होगी, सर्वे होगा। जो औरतें जिन्होंने अभी तक अपना सर्वे नहीं किया, चाहे वो न्यू सर्वे वाली हैं या री सर्वे वाली हैं, जिन्होंने अभी तक अपना सर्वे नहीं किया, अब ये सर्वे का अमल जो है अस्पतालों में कुछ दिनों में ये शुरू हो जाएगा। अभी तक इनका अमल शुरू नहीं हुआ क्योंकि उनके लिए अब टैब तैयार हो रहे हैं, जब टैब तैयार हो जाएंगे तो फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर, और ट्रेनिंग के बाद ये अमल जो है ना अस्पताल में भी शुरू हो जाएगा। जो लोग लंबी लंबी लाइनों से डरते थे या बीएसपी दफ्तर जाकर लंबी लंबी लाइनें लगकर सर्वे करवाते थे, उनके लिए ये परेशानी जो बनती थी अब वो खत्म हो चुकी है। अब आप लोगों का सर्वे जो है अब अस्पतालों में होगा जहां आगोश प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन होती थी, अब बीएसपी की रजिस्ट्रेशन भी वहां पर होगी। ये थी कुछ न्यू अपडेट में जो मैंने आप तक शेयर किया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज हमें लाइक और इस वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।